गुड मॉर्निंग। ये आपका ऑनलाइन टेस्ट है जो 29 अगस्त को हुआ है। टेस्ट नंबर है 21, यानी 21st, 21वां नंबर ऑनलाइन टेस्ट है जो 29 अगस्त 2020 को हुआ है। आइए हम इसके क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 ऑनवर्ड्स। सो पहली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 136। ये क्वेश्चन कह रहा है रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस इज यूजुअली रेफर टू डैमेज कॉज्ड बाय। देखिए ये रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस जनरली रेडिएशंस के वजह से जो डैमेज होता है उसके लिए बोलते हैं। 137 है बायोसिस्टमेटिक्स एम्स, मैंने एम्स एट बायोसिस्टमेटिक का एम क्या है, तो आइडेंटिफिकेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ, पहला ऑप्शन है, ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइटोलॉजिकल कैरेक्टर, ये केवल सेलुलर कैरेक्टर के बेसिस पर, जबकि आप जानते हैं कि सिस्टमेटिक करने का मतलब है, और वो भी मॉडर्न टैक्सोनॉमी में, कि उसका सारे कैरेक्टर का को कंसिडर करना है, उसका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री कंसिडर करना है, और ये सारी बातें जो है वो देखिए दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में। बाकी सब में एक 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 कैरेक्टर के बेसिस पर है, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया है। 138 बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स विथ, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन शुरू होता है प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से, वहाँ से लिविंग स्टार्ट होता है। प्रोटोप्लाज्म सेल में है, इसलिए उसको हम लोग सब सेलुलर मॉलिकुलर लेवल भी कहते हैं, जिसमें अगर एनिमल का क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम कहते हैं फाइलम प्रोटोजोआ, यूं तो बैक्टीरिया का भी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यही होगा, सब सेलुलर मॉलिकुलर लेवल। क्वेश्चन नंबर 139, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट, बोटानिकल गार्डन हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट फॉर रेफरेंस, ये तो सही है। अ म्यूजियम हैज कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स, ये गड़बड़ हो गया है, फोटोग्राफ्स नहीं, म्यूजियम में आप जानते हैं वो फोटोग्राफ्स नहीं रखते, वो तो हम लोग डेड एनिमल्स या प्रिजर्वेटिव में रखते हैं, इंसेक्ट को इंसेक्ट बॉक्स में रखते हैं, बहुत बड़े एनिमल या उसके बोन्स को भी हम लोग स्टफ करके रखते हैं, तो ये गलत हो गया और गलत ही इसमें ढूंढना था। क्वेश्चन नंबर 140, द पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम वाइवेक्स दैट इज पास्ड इन फीमेल एनोफिलीज इज, देखिए जिस फेज में इंसान के बॉडी से फीमेल एनोफिलीज में जाते हैं, वो तो सारे स्टेज जाते हैं फीमेल एनोफिलीज में, लेकिन गैमिटोसाइट छोड़ करके बाकी स्टेज सारे डिस्ट्रॉय डाइजेस्ट हो जाते हैं, और गैमिटोसाइट जो है वो सेक्सुअल साइकिल शुरू कर देता है, तो किस फेज में गया, सेक्सुअल साइकिल के फेज में। क्वेश्चन नंबर 141, ए पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना इज नॉक्टर्नल, नॉक्टर्नल कहते हैं जो रात में एक्टिव होता है, तो सही है। ओमनीवोर्स है, ओमनीवोर्स भी है, हाउसहोल्ड पेस्ट है, बिल्कुल ये बात तो सही है। रीजन में दूसरा स्टेटमेंट जो दूसरा रीजन में कह रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ एक्ट एज स्कैवेंजर, ये गलत हो गया। स्कैवेंजर का मतलब जो दूसरे मरे हुए को खाता है, तो इसके वजह से वो नॉक्टर्नल है, ऐसा नहीं है। सो इसमें ए इज ए कहा गया, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये पहला ऑप्शन दिया हुआ है, ये ऑप्शन तो गड़बड़ है, ए इज ट्रू एंड आर बट आर इज फॉल्स, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। देखिए ये दूसरा ऑप्शन कह रहा है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, इट इज बिकॉज इट एक्ट्स एज, एक बार फिर इस क्वेश्चन को देखिए, ए पेरी प्लानेटा अमेरिकाना इज नॉक्चुरनल ओमनीवोर्स हाउसहोल्ड पेस्ट, ठीक है, इट इज बिकॉज इट एक्ट एज स्कैवेंजर, स्कैवेंजर मतलब जो डेड एनिमल्स को खाते हैं, यानी डेड चीजों को खाता है, तो ये हो सकता है, इसलिए रात में इसको चलने में फायदा भी होता है, और ये जैसे लेदर है, कागज है, इसको भी खा जाता है, तो
तो इसका सही बात हो जाएगा कि ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 142। ट्रू सिलोम इज द स्पेस लिंग बिटवीन द एलिमेंट्री कैनाल एंड बॉडी वॉल इनक्लोज्ड बाय द लेयर ऑफ। ट्रू सिलोम इज द स्पेस लिंग बिटवीन द एलिमेंट्री कैनाल एंड बॉडी वॉल इनक्लोज्ड बाय, देखिए दोनों तरफ मीजोडर्म का लेयर होता है, हम जानते हैं ये ट्रू सिलोम वही होगा जो मीजोडर्मल लेयर से लाइन होता है, जिसको हम बाद में पेरिटोनियम कहते हैं। 143। इन आर्थ्रोपोडा हेड एंड थोरेक्स आर ऑफ्टन फ्यूज टू फॉर्म सिफेलोथोरेक्स, ठीक है, बट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लास इज द बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड थोरेक्स एंड एब्डोमेन। तो ये तो आप देख रहे हैं डिवाइडेड इनटू हेड थोरेक्स एंड एब्डोमेन। हाँ, तो ये इंसेक्ट में होता है हेड अलग होता है थोरेक्स है, जैसे कॉकरोच में पड़ते हैं एब्डोमेन अलग है, क्लास इंसेक्टा यानी हेक्सापोडा में। क्वेश्चन नंबर 144। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, तो क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल फोर चैम्बर्ड हार्ट, बिल्कुल हायर रेप्टाइल्स में क्रोकोडाइल और एलिगेटर में फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है, बाकी रेप्टाइल्स में थ्री एंड हाफ चैम्बर्ड हार्ट होता है हम जानते हैं। दूसरा कह रहा है सी अर्चिन पारापोडिया, तो गलत बात हो गया, सी अर्चिन एकाइनोडर्मेट्स है, पारापोडिया होना करेक्टर एकाइनो उसका तो है नहीं, उसमें तो ट्यूब फीट होता है, सो ये पारापोडिया तो एनेलिडा का करेक्टर है, एनेलिडा में आते तो गड़बड़ हो गया। ओबेलिया थीकोडोंट, ओबेलिया जेली फिश है, इसमें थीकोडोंट टीथ का टाइप होता है, टीथ कहां से रहेगा उसमें। लेमूर थीकोडोंट, ये सही हो गया, ये मैमल है और इसमें थीकोडोंट टीथ होता है, तो ये फर्स्ट एंड फोर्थ सही है जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 145। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सर्टेन गिवन एनिमल इज करेक्ट, राउंड वर्म स्केलमेंथिस आर स्यूडोसिलोमेट्स, यही सही है, स्केलमेंथिस फाइलम स्केलमेंथिस के एनिमल का करेक्टर ये स्यूडोसिलोमेट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 146। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एनिमल्स आर सिमिलर टू ईच अदर पर्टेनिंग टू द फीचर स्टेटेड अगेंस्ट देम, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एनिमल आर सिमिलर टू ईच अदर, सिमिलर टू ईच अदर, टेरोपस एंड ऑर्निथोराइंकस विविपेरस, देखिए यहां पर यह गड़बड़ हो गया, विविपेरस नहीं है, गार्डन रिजार्ड एंड क्रोकोडाइल थ्री चैम्बर डार्ट, ये भी गलत, अभी अभी बात कर रहे थे कि क्रोकोडाइल का होता है फोर चैम्बर्ड हार्ट और बाकी एलिगेटर का जो हाइयर रेप्टाइल्स हैं बाकी में थ्री एंड हाफ चैम्बर्ड होता है। एस्केरिस एंड एंसाइलोस्टोमा मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ये भी गड़बड़ हो गया, मेटामेरिक सेगमेंटेशन तो एनेलिडा से शुरू हुआ ही तो एस्केलमेंथिस है। तो सी हॉर्स एंड फ्लाइंग फिश कोल्ड ब्लडेड पाइकिलोथर्म्स, बिल्कुल ये सही है, बर्ड्स और मैमल्स वार्म ब्लडेड होते हैं बाकी एनिमल्स सारे कोल्ड ब्लडेड हैं। क्वेश्चन नंबर 147। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज करेक्टली मैच्ड विथ इट्स वन कैरेक्टरिस्टिक एंड द टैक्सोन, डकबिल्ड ओबीपेरस मैमेलिया, बिल्कुल ये प्रोटोथेरियन है, एक लिंग मैमल है तो पहला ही सही है। क्वेश्चन नंबर 148। रेडियोएक्टिव थायमिडिन व्हेन एडेड टू द मीडियम सराउंडिंग लिविंग मैमेलियन सेल्स गेट इनकॉर्पोरेटेड इनटू न्यूली सिंथेसाइज डीएनए, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्रोमैटिन इज एक्सपेक्टेड टू बिकम रेडियो एक्टिव, यू क्रोमैटिन रेडियो एक्टिव हो जाएगा। 49। ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन 1980 द इवोल्यूशन वॉज टर्म्ड एज आरएनए वर्ल्ड, द इवोल्यूशन वॉज टर्म्ड एज आरएनए वर्ल्ड, दैट वॉज आरएनए हैव एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी, जब यह पता चला था। क्वेश्चन नंबर 150। इन द डीएनए मॉलिक्यूल में क्या होता है, तो ये देखिए लास्ट वाला ऑप्शन डी में है, देर आर टू एंटी पैरेलल, एक 3-5 अपवर्ड दूसरा 3-5 रिवर्स 3-5 होता है फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, तो एंटी पैरेलल कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड होते हैं। 151। ये जो दिया हुआ है ये कह रहा है क्या है, गिवेन बिलो द
डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द लिविंग टिश्यू. आइडेंटिफाई द कैटेगरी सून एंड द वन ब्लैंक कंपोनेंट एक्स. सर एक्स पर अगर जोड़ देंगे तो वहां बेस जुड़ेगा, ये राइबोज शुगर है और वहां कोई एडेनिन या यूरासिल, राइबोज के साथ थाइमिन नहीं जुड़ता, तो एडेनिन जुड़ सकता है, गुआनिन जुड़ सकता है, यूरासिल या साइटोसिन. और शुगर और बेस मिलता है तो न्यूक्लियोसाइड बनता है. सो यहां पर आप कह सकते हैं न्यूक्लियोसाइड यूरासिल. 152. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोमॉलिक्यूल्स इज करेक्टली कैरेक्टराइज्ड? लेसाइथिन, बिल्कुल. फॉस्फोराइलेटेड ग्लिसराइड फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन, यही सही है. 153. फॉस्फोग्लिसरेट इज ऑलवेज मेड अप ऑफ, ये बना होता है किस चीज का है? फॉस्फोग्लिसरेट ए सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एस्टरीफाइड टू ए ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, टू ए ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल टू विच ए फॉस्फेट ग्रुप इज अटैच्ड. 154. सेलेक्ट द ऑप्शन व्हिच इज नॉट करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू एंजाइम एक्शन. एंजाइम एक्शन के बारे में उससे संबंधित कौन नहीं है करेक्ट? करा सबस्टेट बाइंड्स विथ एंजाइम एट इट्स एक्टिव साइट, बिल्कुल सही बात है. एडिशन ऑफ लॉट ऑफ सक्सिनेट डज नॉट रिवर्स द इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज बाय मेलोनिक एसिड, ये तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, ये तो इनहिबिट करेगा ही, यही तो गलत है. अब आज ये क्वेश्चन नंबर है 155. 55 कह रहा है द इंट्रोडक्शन ऑफ टीडीएनए इनटू प्लांट्स इन्वॉल्व्स. जीन गन मेथड आपने पढ़ा होगा, जीन गन मेथड का ये क्वेश्चन है. इन्फेक्शन ऑफ प्लांट बाय एग्रोबैक्टीरियम, ये इसके वजह से देते हैं. चलिए 156, ये ग्राफ दिया हुआ है और इसमें दिखाया हुआ है रिएक्शन. कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द गिवन ग्राफ करेक्टली. ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है विथ ए इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एंड इन एंड बी इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम. देखिए ए में एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गया यानी एंजाइम उसमें ऐड हुआ, और बी में एंजाइम ऐड नहीं है तो एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, और हम जानते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके ही एंजाइम जो है रिएक्शन को कैटलाइज करता है. 157. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ एंटेरोगेस्टेरॉन. एंटेरोगेस्टेरॉन क्या करता है? गैस्ट्रिक जूस के सेक्रीशन को इनहिबिट करता है, लेकिन एचसीएल का सेक्रीशन इनहिबिट नहीं करता. 58. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैचिंग पेयर ऑफ सबस्ट्रेट एंड इट्स पर्टिकुलर डाइजेस्टिव एंजाइम. स्टार्च माल्टेज गड़बड़ हो गया, लैक्टेज रेनिन ये भी गड़बड़ हो गया, माल्टोज एस्टीएप्सिन, माल्टोज एस्टीएप्सिन ये हो सकता है. 159. ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग फास्टिंग इन व्हाट सीक्वेंस आर फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज्ड अप बाय द बॉडी. फर्स्ट प्रोटीन नहीं जी, फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट, नेक्स्ट फैट एंड लास्टली प्रोटीन्स, ये सही है. 160. रेनिन, आर ई एन आई एन, रेनिन है. देखिए ये स्पेलिंग गलत है, आर ई डबल एन आई एन रेनिन होता तब ये मिल्क प्रोटीन को, यानी ये स्पेलिंग में प्रॉब्लम है. ये मिल्क प्रोटीन केसिन को पारा केसिन में कन्वर्ट करता है, और ये आर ई एन आई एन रेनिन है, ये क्वेश्चन में एरर है. आर ई एन आई एन रेनिन तो ये हार्मोन्स है जो रास सिस्टम रेगुलेट करता है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम. सो ये स्पेलिंग इरर है इसमें. 161. पीपल लिविंग एट सी लेवल हैव अराउंड 5 million आरबीसी पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, वेयर इज दो लिविंग लिखा हुआ है, ये लिविंग होगा, ये लिविंग एट
एंड एल्टीट्यूड इतना हाई एल्टीट्यूड पे है 8 मिलियंस, दिस इज बिकॉज ऑफ, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड में एटमोस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन कम है, तो इसी वजह से वहाँ लोग पॉलीसाइथेमिक हो जाते हैं। 162 फिगर सुन सिस्टमिक स्कीमेटिक प्लान ऑफ ब्लड सर्कुलेशन ह्यूमंस विथ लेवल्स ए टू डी, आइडेंटिफाई द लेवल एंड गिव इट्स फंक्शन। तो आप देखिए बी ऑप्शन में जो सी है वो वेना के बाय ब्लड ला रहा है राइट ऑर्किल में, उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 45 mmHg होता है। 163 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ब्लड कंस्टिट्यूएंट एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस इज मोस्ट एक्यूरेट, RBC ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन वेयर एज WBC ट्रांसपोर्ट CO2, तो गलत हो गया ना, आधा सही आधा गलत है, CO2 WBC तो ट्रांसपोर्ट ही नहीं करता, RBC ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन वेयर ब्लड प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट ओनली CO2, ये भी गड़बड़ हो गया, ब्लड प्लाज्मा से फिजिकल सोल्यूशन के फॉर्म में ऑक्सीजन भी तो जाता है। RBC एज वेल एज WBC ट्रांसपोर्ट बोथ ऑक्सीजन एंड CO2, ये भी गलत हो गया, WBC गैसियस ट्रांसपोर्ट नहीं करता, तो बचा कौन, डी आंसर सही है। 164 डैमेज टू थाइमस इन चाइल्ड मे लीड टू, देखिए थाइमस से थाइमोसिन रिलीज होता है, थाइमोसिन से टी लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट होता है और टी लिम्फोसाइट से सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी डेवलप होता है, तो वही कमजोर होगा। 165 इफ ड्यू टू सम इंजरी ऑफ कॉर्डर टेंडिनी, जिससे बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व होल्ड होता है वही कॉर्डर टेंडिनी है, तो उसमें क्या होगा, तो द फ्लोज ऑफ ब्लड इन टू द पल्मोनरी आर्टरी विल रिड्यूस्ड, ये इमीडिएट इफेक्ट होगा। 166 अच्छा ये ट्राइकस्पिड वाल्व का कह रहा है, इफ ड्यू टू सम इंजरी द कॉर्डेट टेंडिनी ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व जो राइट साइड में होता है ऑफ द ह्यूमन हार्ट इज पार्शियली नॉन फंक्शनल, व्हाट विल बी द इमीडिएट इफेक्ट। तो इसमें राइट में बैक होना और ऑर्किल में बैक भी हो सकता था, लेकिन वो दिया हुआ नहीं, तो ये कह सकते हैं ब्लड फ्लोज फ्रॉम इनटू द पल्मोनरी आर्टरी विल रिड्यूस, क्योंकि वहां से ब्लड आधा रिटर्न कुछ तो रिटर्न हो जाएगा, फिर से राइट ऑर्किल से राइट वेंट्रिकल में गया, जब राइट वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट कर गया तो फिर से ऑर्किल में आ जाएगा, इसलिए पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड कम जाएगा। 166 ए पर्सन हु इज एन ऑन ए लॉन्ग हंगर स्ट्राइक लंबे समय तक एंड इज सर्वाइविंग ओनली ऑन वाटर, वी विल हैव, क्या होगा उसमें, उसके यूरिया जो है प्रोटीन भी नहीं मिलने लगा, प्रोटीन का भी टूटने लगेगा, नतीजा होगा कि उसमें यूरिक एसिड बढ़ने लगेगा और यूरिन में यूरिया कम होने लगेगा। 166 कंसिडर द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट रिगार्डिंग किडनीज ट्रांसप्लांट एंड सेलेक्ट द टू करेक्ट वन आउट ऑफ दीज, दो करेक्ट होना है। पहला है इवन ए किडनी ट्रांसप्लांट इज प्रॉपर द रेसिपियंट मे नीड टू टेक इम्यून सप्रेसेंट फॉर ए लॉन्ग टाइम, बिल्कुल देना पड़ेगा, ये तो सही है। द सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राफ्ट रिजेक्शन, ये भी सही है। बी लिम्फोसाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजेक्शन, फिर ये तो गड़बड़ हो गया, और फोर्थ भी गड़बड़ है, यानी इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें कह रहा है कि पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है। 168 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस इज करेक्टली कैटेगराइज्ड ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमासिन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन इन एस्ट्रिएटेड मसल, यह देख लीजिए। 169 एनेस्थेटिक्स रिड्यूस पेन बाय ब्लॉकिंग द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, द काइंड ऑफ केमिकल वर्किंग एनेस्थेटिक आर दोज दैट ब्लॉक, वो क्या करेगा, सोडियम पोटासियम चैनल को ब्लॉक कर देगा। 170 इंसुलिन डिफर फ्रॉम ग्रोथ हार्मोन इन दैट इज, देखिए इंसुलिन स्टिमुलेट करता है हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज इन फैट सेल्स, इस मामले में ये ग्रोथ हार्मोन से डिफरेंट है। 71
द ग्रोथ ऑफ कॉर्पस लूटियम, कॉर्पस लूटियम ओव्यूलेशन के बाद जो प्रोजेस्टेरोन के वजह से कॉर्पस लूटियम, वो एलएच के वजह से कॉर्पस लूटियम बनता है और वहाँ से प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है। तो ये क्या कह रहा है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच के वजह से बनता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के वजह से। 172 सेमाइनल प्लाज्मा इन ह्यूमन इज रिच इन, देखिए फ्रक्टोज तो रहता है उसमें और सर्टेन एंजाइम, लेकिन कैल्शियम कम रहता है। 173 इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज ए टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू द फेलोपियन ट्यूब। ये फर्टिलाइजेशन के बाद अप टू एट सेल स्टेज तक के हम इम्ब्रियो को ट्रांसप्लांट करते हैं फेलोपियन ट्यूब। 174 आउट ऑफ एट एस्कोस्पोर्स फॉर्म्ड इन न्यूरोस्पोरा द अरेंजमेंट ऑफ 2A 4A 2A शोइंग। ये क्या शो करता है, ये शो करता है सेकेंड जनरेशन डिवीजन को। 175 बार बॉडी इन ह्यूमन फीमेल इज फॉर्म्ड बाय, बार बॉडी बनता है एक एक्स के वजह से, इनएक्टिवेशन ऑफ आइदर द पेरेंटल और मैटरनल एक्स, एक एक्स क्रोमोसोम वो किसी एक का। 176 आउट ऑफ एटी यानी एडिनिन थायमिन गुआनिन साइटोसिन पेनिंग बेसिस ऑफ डीएनए मे एग्जिस्ट इन अल्टरनेट वैलेंसीज स्टेट ओनिंग टू अरेंजमेंट कॉल्ड, इसको कहते हैं टॉटोमेराइजेशनल म्यूटेशन। 177 ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म द प्रोडक्ट ऑफ वन जीन इज रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट अनदर जीन, सच जीन प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड, उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। 178 द काइंड ऑफ इवोल्यूशन इन विच टू स्पेसीज ऑफ डिफरेंट जियोलॉजिकल, जियोलॉजी होना चाहिए, जियोलॉजी जीनियोलॉजी लिखा हुआ है, कम टू रिसेम्बलेंस वन एनदर क्लोजली इज टर्म्ड एज, इसको कहते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, और एक जगह से अलग अलग गया तो डाइवर्जेंट। 179 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट कौन है, होमो इरेक्टस इज द एंसेस्टर ऑफ मैन, बिल्कुल इरेक्टर मतलब जो इरेक्ट पोस्चर आने लगा था। एंड लास्ट अब है 180 द क्लोनिंग ऑफ कैटल ए फर्टिलाइज्ड एग इज टेकन आउट ऑफ मदर्स वूम्ब एंड इन एट सेल स्टेज सेल्स आर सेपरेटेड एंड कल्चर अंटिल स्मॉल इम्ब्रियो आर फॉर्म्ड विच आर इम्प्लांटेड इन टू वूम्ब ऑफ अदर काउज, यही तो करते हैं, एट सेल तक के स्टेज के सब को ले लेते हैं, उसका आठों सेल अलग अलग कर देते हैं, फिर वो अलग अलग ग्रोथ कराते हैं, अलग अलग काऊ के यूट्रस में इम्प्लांट करते हैं। तो ये हो गए आपके टेस्ट नंबर 21। फिर भी आपको कोई अगर पर्टिकुलर में प्रॉब्लम हो तो मैं बार बार कहता आ रहा हूँ कि प्लीज़ आप हमारे को तो टाइम का प्रॉब्लम रहता है, एक सर्टेन टाइम में, बहुत लिमिटेड टाइम में आपको सारे 45 क्वेश्चन पढ़ने होते हैं, इसलिए मैं, मुझे नहीं पता कि आपको किस में, सारे में तो प्रॉब्लम आपको होंगे नहीं, जिसमें भी प्रॉब्लम हो और उसका डिटेल और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज़ आप अपनी क्वेरीज में डाल दें क्वेश्चन, हम आपकी क्वेरीज देख करके आपको उसका डिटेल सॉल्यूशन भेज सकते हैं, अगर इतना से समझ नहीं आता है तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।